हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सो अर्विन श्रोडिंगर जो थे बच्चों उन्होंने 1926 के अंदर डिस्क्राइब किया बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का आटम के अंदर एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ में जिसे हम क्या बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑलराइट सो अर्विन श्रोडिंगर क्या पढ़ेंगे अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन श्रोडिंगर वेव Equation. So, Erwin Schrödinger in 1926 described the described the behavior described the behavior of an electron of an electron in an atom.

क्या बोलते हैं उसे हम बच्चों शुडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं तो यहां पे हम देखेंगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम किस तरह से राइट करेंगे शुडिंगर वेव इक्वेशन को सो शुडिंगर वेव इक्वेशन दुडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन moving in, moving in three dimensional, in space, in space is given as यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेचो शुडिंगर वेविक्वेशन को हम देखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो मूव कर रहा है थ्री डायमेंशन के अंदर ठीक है मूविंग इन थ्री डायमेंशंस इन स्पेस तो क्या हो जाएगी डेल स्क्वायर साई बाई मी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई मी डेल वाई स्क्वायर प्लस मी डेल स्क्वायर साई बाई मी डेल जेड स्क्वायर प्लस मी एट पाई स्क्वायर एम बाई मी एच स्क्वायर ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू जीरो तो ये क्या है बच्चों शुडिंगर वेव इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो मूव कर रहा है थ्री डायमेंशन में स्पेस के अंदर ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी शुडिंगर वेव इक्वेशन तो यहाँ पे अब देखिए ई e क्या है वी क्या है साई तो e क्या है एम क्या, तो e क्या, 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 क्या है तो उनको हम देखते हैं एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे बच्चों हमारे स्पेस कॉर्डिनेट्स हैं सो एक्स वाई एंड जेड आर दर्डिनेट्स स्पेस कॉर्डी नेट्स और यहाँ पे एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लैंक्स कांस्टेंट ई टोटल एनर्जी ई इज द टोटल एनर्जी एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है एंड साई क्या है साई बच्चों है हमारा एम्पलीट्यूड वेव का ठीक है साई क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव और उसे हम क्या बोलते हैं वेव फंक्शन बोलते हैं तो साई क्या है साई इज दिट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव ट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड इज कॉल्ड वेव फंक्शन क्या बोलेंगे हम इसे वेव फंक्शन बोल देंगे तो so, साई क्या है एम्पलीटूड इलेक्ट्रॉन वेव का और जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चों वेव फंक्शन बोलते हैं तो so, देखिए यहाँ पे जो साई है वो क्या है कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्या टर्म हमारी ये रह जाएगी देखिए यहाँ पे हम करते हैं यहाँ से साई जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो डेल स्क्वायर प्लस बाई में क्या हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायेर डेल स्क्वायर बाय में डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय में डेल जेड स्क्वायर तो यहाँ पे जो साई है वो क्या रही है कॉमन आ रही है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे साई और प्लस में क्या है एट पाई स्क्वायर एट पाई स्क्वायर एम बाय में एच स्क्वायर और आगे क्या है हमारा ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू जीरो यही है तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट टर्म है बच्चों इसे हम क्या लेते हैं डेल स्क्वायर के इक्वल ये जो हमारी कंप्लीट टर्म है ये क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर और ये क्या है हमारे एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जिससे हम क्या बोलते हैं लापलेशन ऑपरेटर इसको आप याद रखेंगे तो so यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगी साई प्लस एट पाई स्क्वायर एम बाई मी एच स्क्वायर ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू तो जीरो तो ये हमारी क्वेश्चन हो जाएगी यहाँ पे डेल स्क्वायर क्या है मैथमेटिकल ऑपरेटर तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर इज दी मैथमेटिकल ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज नोन एज नोन एज लैपलेशन ऑपरेटर क्या हम इसे बोलेंगे लैपलेशन ऑपरेटर

मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन मेन पोजिशन से दोनों साइड में जो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है वेव की वही क्या है बच्चों एम्पलीट्यूड है तो साई क्या है एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉन वेव का जिससे हम क्या बोलते हैं वेव

ऑफ शोडिंगर वेव इक्वेशन डिंगर वेव इक्वेशन तो अब हम क्या करेंगे बच्चों फॉर्मुलेशन करेंगे जो हमारी शोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी तो श्रोडिंगर जो शो थे उन्होंने एज्यूम किया कि जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर बच्चों एटम के अंदर क्या है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है वाइब्रेट कर रहे हैं वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं ठीक है ठीके? तो जो हमारा न्यूक्लियस है एटम का वो सराउंडेड है किससे वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स से और जो कि सिमिलर हैं किसकी स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स के जो हमारी इलेक्ट्रॉन वेव्स है वो किसकी सिमिलर हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स की जो कैसे प्रोड्यूस होती हैं एक स्ट्रिंग है जो कि फिक्स बिटवीन टू पॉइंट्स ठीक है और जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है हमारी वेव्स uh, प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं सो so, जो श्रोडिंगर थे उन्होंने एज्यूम किया श्रोडिंगर एज्यूम दैट एज्यूम दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एटम is surrounded nucleus of an atom is surrounded by the vibrating electron waves vibrating electron waves similar to the to the standing or stationary waves क्या बोलते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, सच आज प्रोड्यूस्ड बाय दी, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय दी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो हमारा स्ट्रिंग है वाइब्रेट कर रहा है उससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव बच्चों, सच एज प्रोड्यूस्ड बाई दाइब्रेटिंग स्ट्रिंग Fixed between बिटवीन fixed between बिटवीन two टू between बिटवीन two पॉइंट्स देखिए यहाँ पे हमारी टू पॉइंट्स हैं ये ए है ये क्या है बी है तो यहां पे क्या हो रही है हमारी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है दो पॉइंट के बीच में क्या है फिक्स है वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग तो वहां से जो वेव प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या बोलते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव तो इसी के सिमिलर क्या है जो हमारा एटम है जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस क्या है सराउंडेड है हमारी वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव से जो किसकी सिमिलर बताई है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेवस की तो यहाँ पे हम देखते हैं जो जनरल इक्वेशन है इस वेव मोशन के लिए सो द जनरल इक्वेशन द जनरल इक्वेशन

मान रही जनरल इक्वेशन आ गई है बच्चों वेव मोशन के लिए ठीक है क्या है साइज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन मी लैमडा तो यहाँ पे एक्स क्या है लैमडा क्या है लैमडा इज वेवलेंथ लैमडा क्या है हमारी वेव लेंथ है ए इज कांस्टेंट ए क्या है बच्चों कॉन्स्टेंट है एंड <coughs> एक्स क्या है यहाँ पे और साई uh, क्या है ठीक है ये दो चीज और हमें देखनी है लैमडा तो वेवलेंथ हो गया ए कॉन्स्टेंट है एक्स क्या है डिस्टेंस है, है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन <laughs> डिस्टेंस फ्रॉम द अलोंग अलॉन्ग स्पेस कोऑर्डिनेट इन वन डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन और साई क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है लैमडा वेव लेंथ ए कॉन्स्टेंट है और एक्स क्या है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम दरिजिन अलॉन्ग दस कॉर्डिनेट इन वन डायरेक्शन एंड लेमडा इज द वेव लेंथ और साई क्या है हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ देव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ओके okay. अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले आप इसको नोट कर ले हमारे पास इक्वेशन क्या बच्चों साइज इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्स अपॉन मी लैमडा ठीक है ये हमारे पास जनरल वेव मोशन की इक्वेशन है ठीक है सो इसी हम क्या देते हैं नाम इक्वेशन फर्स्ट अब हम क्या करेंगे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको सो ऑन डबल डिफ्रेंशिएटिंग ऑन डबल Differentiating, we get. तो देखिए डिफ्रेंशिएट हमें अब यहाँ पे करना है तो आपको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला पता होना चाहिए तो यहाँ पे हम अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं d by dx a ए यहाँ पे क्या है a sin इसे हम क्या बोल देंगे b a sin बी ठीक है इसका अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे d by dx a ए b x का कॉस आ जाएगा ए यहाँ पे है और बी आगे आ गया जाएगा बी और कॉस साथ में फिर बी और एक्स ठीक है ये क्या हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया और अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स ए कॉस बी एक्स है ए कॉस बी एक्स तो क्या हो जाएगा इसका माइनस साइन हो जाएगा ए है ए आगे बी आ जाएगा माइनस में आएगा माइनस साइन बी एक्स ठीक है तो अगर ए साइन बी एक्स का है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या है ए बी ए कॉस बी एक्स ए बी कॉस बी एक्स और अगर ए कॉस बी एक्स का है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी साइन बी एक्स ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो कर दी है सो so, यहाँ पे देखिए साई इज इक्वल टू ए साइन टू बाई एक्स अपॉन लैम है तो डी साई बाई में डी एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए एज इट इज है और बी कॉस बी एक्स तो यहाँ पे क्या है बी है ठीक है तो ये आगे आ जाएगा ए बी और फिर क्या है हमारे पास कॉस फिर बी टू पाई अपॉन लेमडा और फिर एक्स ठीक है डिफ्रेंसिएशन हो गया एक बार फिर हमें डिफ्रेंसिएशन करना बिकॉज डबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर साई बाई में डी एक्स इज़ इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे क्या है ए कॉस बी एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा एज इट इज ए एज इट इज है माइनस कर देंगे यहाँ पे ए और बी क्या है यहाँ पे हमारे पास टू पाई अपॉन लेमडा पहले से ही है कि यहाँ पे टू पाई अपॉन लेमडा तो एक तो पहले वाला हो जाएगा और एक साथ में ही बी आगे आ गया जाएगा टू पाई अपॉन में लैमडा तो ए बी माइनस ऑफ साइन बी टू पाई अपॉन लेमडा और एक्स ठीक है ये हमारे पास आ गया तो सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास टू पाई टू पाई टू पाई क्या हो जाएगा बच्चों फोर पाई स्क्वायर स्क्वाई में लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा क्या हो गया माइनस ऑफ फोर पाई स्क्वायर बाय में लेमडा का स्क्वायर और ए साइन टू पाई एक्स अपॉन में लेमडा और ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों साई के इक्वल होता है ठीक है साई हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं सो डी स्क्वायर साई बाय में डी स्क्वायर ये आ हमारी सेकेंड इक्वेशन और डी स्क्वायर साई बाय में की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों साई si रख सकते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया साई si आ गया तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन जो लैमडा होता है वो किसके इक्वल होता है एच अपॉनमी एम वी होता है तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू उसकी सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन सो नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन

So, so, si. so, बच्चों बच्चो, यहाँ पे हमने क्या किया है हमारे पास इक्वेशन थी साइज इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्सपोन में लैमडा तो इसको हमने क्या कर दिया डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या क्या यहाँ पे हमने on double differentiating with respect to x then we get d psi by me dx kya gaya yahan pe humne ek bar differentiate kiya a 2 pi by lambda cos 2 pi upon lambda x fir humne dobara kya kiya ki isko double differentiate kiya to hamare paas finally kya agya minus of 4 pi square by me lambda square a sin 2 pi x upon me lambda अब ये a sin 2 pi x upon lambda किसके equal होता है psi के equal होता है तो यहाँ पे हम साइ राइट कर देंगे इसके बाद नो अकॉर्डिंग टू डी रिलेशन जो वेवलेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मी एमवी तो पुट कर देंगे वैल्यू किसकी लैम्ब्डा की इक्वेशन थर्ड तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे पुट दी वैल्यू ऑफ पुट दी वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा इन इक्वेशन थर्ड वी गेट ठीक है तो हमें क्या ऑब्टेन हो गया यहां से डी स्क्स में डी एक्स किसके इक्वल एक आ गया माइनस एम स्क्र वी स्क्र बाई में एक्स साई ठीक है इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ इक्वेशन ठीक है तो यहां तक नोट कीजिए आप पहले नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी दैट इज ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सो टोटल एनर्जी दैट इज ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज टी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वी और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एक हमारी टोटल एनर्जी है ठीक है तो यहाँ पे हम एम वी स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए माइनस वी ये हो जाएगा और यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी ए माइनस वी बाई मे एम तो इसे नाम दे देंगे हम फिफ्थ इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारी डी स्क्वायर साई बाई मे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओ फोर पाई स्क्वायर बाई मे एच स्क्वायर एम स्क्वा स्क्वायर साई ठीक है ये क्या है बच्चों हमारी ना जो फोर्थ इक्वेशन थी ठीक है ये क्या थी फोर्थ इक्वेशन थी तो यहां पे अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे वी स्क्वायर की वैल्यू किसमें फोर्थ इक्वेशन में ये फोर्थ इक्वेशन थी सो so, पुट दी पुट दी वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इनटू इक्वेशन फोर्थ

पाई स्क्वायर एम तो कितना आ गया फोर टू जाइट एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी ई माइनस वी और यहाँ पे क्या है साई बाय में एच स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाय में डी एक्स स्क्वायर ये हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों और इसको हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बा, साई बाय में डी एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है यहाँ पे हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया क्या था माइनस में थी टर्म तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया प्लस में कर दिया तो एट पाई स्क्वायर एम बाई में क्या है एच स्क्वायर स्क्वायर और साथ में क्या है ई माइनस वी एंड देन साई ठीक है ये हमारी इक्वेशन है एट पाई स्क्वायर एम बाई में एच ई माइनस वी और साई किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है तो ये क्या आ गई बच्चों हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो क्या है ये दिस इज दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द वेव मोशन फॉर द वेव मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली इन वन डायरेक्शन ओनली ठीक है ये क्या आ गई बच्चों ंगर व प्लस में एट पाई स्क्र एम बाई एच ई माइनस वी और साई यहाँ पे क्या एच है? है नोट कीजिए इसको एक्स एक्सिस में अगर हमारे बच्चों वेव मोशन है इलेक्ट्रॉन का तो उसके लिए अगर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है तो हमारे पास क्या ही है डी स्क्र साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम बाई में e minus v psi, that is equal to ठीक है यही आई है हमारे पास x डायरेक्शन x एक्सिस के अंदर क्या आई है डी स्क्स स्क्स मे एट पाई स्क्र एम बाई मे स्क्स वी साइज टू जीरो प्लस में एट पाई स्क्वायर एम बाई में एच स्क्वायर ई माइनस वी साई दट इज इक्वल टू जीरो इसी तरीके से z डायरेक्शन में डी जेड स्क्वायर plus 8 pi square m by m a h square a minus v psi that is equal to 0 so the schrodinger schrodinger wave equation for the wave motion of an electron of an electron

e माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो तो ये क्या आगे बच्चों हमारे पास शडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायरेक्शन दैट इज एक्स वाई एंड जेड क्या है डेल स्क्वेयर साई बाई में डेल एक्स स्क्वेयर प्लस में डेल स्क्वेयर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्ई बाई मी डेल जेड स्क्वायर प्लस मी एट पाई स्क्वेयर एम बाई मे एच स्क्वायर ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो नोट करो इसको आप सो के स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के और सोल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में